हमने देखा था दशमलव, भिन्न से दशमलव में बदलना। अब हम देख रहे हैं कि दशमलव से भिन्न के अंदर कैसे बदलते। यहाँ देखो सारों के आगे दशमलव लगा हुआ, तो इन दशमलव संख्या को हम भिन्न के अंदर कैसे बदलते हैं वो हमको क्या करना है देखना है। जैसे 0.6, 12.2, 6.4। अब देखो पहला वाला जो आपका एग्जाम्पल है 0.6, अब आप इसको भिन्न में कैसे बदलाओगे? सबसे आसान है, आपको पता है जीरो के बाद दशमलव के बाद एक संख्या मतलब 6/10। आसान तरीका हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, वहां मैंने 5/10 को देखो 5/10 था उसको मैंने क्या लिखा था 0.5, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है 0.6 को 6/10। ठीक है, अब आपका दूसरा है, जैसे ये तो आपका एकदम जीरो था इसलिए आपको हो गया। अब दूसरा जो है आपका उसमें लिख रखा है 21.2, तो हमें बताइए 21.2 को आप कैसे लिखोगे? 21 का तो 21 आएगा ही, आगे क्या है दशमलव है 2/10। अब इसका एक और आसान तरीका है, देखो अगर आपको कभी भी दशमलव को भिन्न में बदलना है तो आपको देखना है कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है, उस पूरी संख्या को लिख कर नीचे एक जीरो लगाओ। मान लो यहाँ पर एक और संख्या होती तो मैं क्या करती यहाँ पर 2 जीरो लगाती, क्यों? क्योंकि ये हमारा शब्दांश बन जाता। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, तो ये आपका सिंपल तरीका है देखने का कि आपका उत्तर सही है या नहीं है। ठीक है, तो आप जब भी दशमलव हटाओगे, एक चीज याद रखना दशमलव से भिन्न बनाने में, कि जब भी आप दशमलव हटाओगे तो दशमलव के बाद की जो संख्या है उतने जीरो नीचे आएंगे। एक संख्या तो एक जीरो, दो है तो दो, तीन है तो तीन, चार है तो 4 जीरो। तीसरा है आपका 6.4, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? उसके आगे 6 लिख दिया 64, अब एक है दशमलव हटाने के बाद जीरो, तो देखो यहाँ जहाँ भी मैंने नीचे ये लिखा है वहां पर दशमलव नहीं लगाया। ठीक है, अब मैं आपको बोलूँ कि इनको आप क्या करो, इनके लघुत्तम रूप में लिखो, मतलब इनसे भी छोटे रूप में लिखो, तो आप लिख सकते हो, लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसको मैं और बांट सकती हूँ, देखो लघुत्तम रूप में। यहाँ पर मैं आपको शब्द इसका बताऊंगी, देखो इस वाले टॉपिक में कि भिन्नों को लघुत्तम रूप में बदलिए, तो यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ दशांश में भी वही चीज, जैसे लघुत्तम रूप, तो कैसे बदलेंगे इसको और बांटेंगे, 2 3 2 5। ठीक है, अब मैं इसको और किसी में बांट सकती हूँ, 3/5 है, अब मैं इसको किसी और के अंदर बांट सकती हूँ, नहीं, तो ये हमारा भिन्न का लघुत्तम रूप होगा। उसी तरह 212/10 तो हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? 2 से देखो, तो आपको मैं यहाँ पर भाग करके बताती हूँ, 2 × 2 - अब मुझे बताइए कि 2 मेरे को भिन्न को बदलना है, इसलिए मैं यहाँ दशमलव नहीं लगा सकती। एक चीज याद रखना, ये भिन्न है, दशमलव में भाग नहीं दे रही, यहाँ एक में दो का भाग कर सकते हैं नहीं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दशमलव के जगह 0, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 0, 2/0, और फिर हम यहाँ पर संख्या उतारेंगे, सॉरी 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर पास में एक संख्या है। ठीक है, देखो एक को नीचे उतारा, पहले मैंने एक संख्या नीचे उतार ली, वापस देखो एक संख्या नीचे उतार ली पर वो 2 से छोटी, इसीलिए मैं यहाँ पर ऊपर 0 लिखूंगी। दशमलव नहीं, दशमलव कब लिखते हैं? जब हमको 0 लाना होता है। इस 0 को लिख के ये जो 2 था मैंने उतारा, 2 × 6 = 12, ये मेरा कितना आया 106/2 × 10। अब मैं इसको और आगे लघुत्तम रूप में नहीं बदल सकती, क्यों? क्योंकि 5 के पहाड़े में 6 आता ही नहीं है, आता है? नहीं आता ना, तो इसको मैं और आगे नहीं बदल सकती। उसके बाद आपका 64/10, तो ये भी जा सकता है, 2 × 2 = 2 5, 5 के पहाड़े में हो सकता है? नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि आएगा ही 32 और 5 किसी एक के पहाड़े में आते ही नहीं, तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, लघुत्तम रूप होगा। तो देखो मैंने आपको यहाँ पर दशांश के अंदर इस वाले टॉपिक का भिन्नों को लघुत्तम रूप में बदलना, तो दशांश को कैसे बदलते वो आपको समझाया, इसको नोट कीजिए। दशांश देखा, तो दशांश में हमने 1 जीरो देखा। ठीक है, अब हम देखेंगे
शतांश, तो शतांश मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि 100, ठीक है, क्या हो जाएगा 100। तो हम पढ़ते हैं शतांश के बारे में। शतांश को हम कैसे लिखेंगे वही आपको पता है, जीरो के बाद, दशमलव के बाद कोई भी दो संख्या होनी चाहिए तो वो क्या हो जाएगी, शतांश। जैसे मैं आपको उदाहरण बताती हूँ, एग्जांपल, दशमलव, दो, चार, तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, शतांश। क्यों? क्योंकि जब मैं इसका दशमलव हटाऊंगी तो मैं उसको लिखूंगी बटा 100, कितने जीरो आए, दो। और मैंने आपको बताया था दशांश के बाद क्या आता है, शब्दांश आ रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, शब्दांश। अब आप इसको कैसे पढ़ोगे, तो आप इसको पढ़ोगे 25.24। अब इसको 24 नहीं पढ़ेंगे। एक चीज ये भी याद रखना कि दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है उसको हम अलग अलग पढ़ेंगे। इसको 24 नहीं पढ़ते, क्या पढ़ेंगे, 25.24। इतना समझ में आया? तो देखो उसको मैंने कैसे दशमलव से भिन्न बनाया, ठीक है। अब देखो, जैसे ये तो बड़ा था, अब मैं आपको बोल दू बीस प्लस, ठीक है। अब आपके में बड़ी संख्या ले लो, अब ध्यान रखना, 20 प्लस 5/100, वे क्या बोल रहे, 20 प्लस 5/100। ऐसा भी आ सकता है, देखो ऐसे भी आ सकता है, जैसे 36/100। तो इसको तो आप आसानी से कर सकते हो ना, 10.03, ये तो आपके लिए आसान होगा। लेकिन जब इस तरह का सवाल आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये वाला एग्जांपल मैं ये भी रहने देती हूँ, सरल तरीका वो वापस कर देते हैं। देखो 20 प्लस 5/100, अब यहाँ पर क्या है, दो जीरो है, मतलब दो संख्या से पहले, लेकिन यहाँ तो मेरी क्या है, एक ही संख्या है। तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, लिखेंगे 0.05। यदि यहाँ पर कोई एक अकेली संख्या है तो दशमलव के पहले, दशमलव के बाद हम क्या लिखेंगे, जीरो, और उसके बाद दो संख्या। अगर ऐसी दो संख्या है तो हमको वहां जीरो नहीं लिखना है। अब इसको जोड़ो, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, तो यहाँ मैंने दो जीरो लिखे, वहां मैंने एक लिखा था क्योंकि एक की जरूरत है, यहाँ पर दो है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 0.05। अब इसको आपको जोड़िए, 0 और 5 = 5, 0 का 0, 10 का 10, 0, 2, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 20.05। तो आपको समझ में आया कि हमने इन बड़ी संख्याओं को कैसे शतांश के अंदर बदला है। नोट डाउन कीजिए, अब देखो जैसे हमने दशांश के अंदर पढ़ा था वैसे ही हम क्या करेंगे, शतांश के अंदर देखेंगे। तो सैकड़े की जगह यहाँ पर मेरा क्या है, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, एक, दहाई की जगह 3, इकाई की जगह 2, दशमलव के बाद दशांश पे 1, और यहाँ पर शतांश पर 5। अगर यहाँ कुछ ना होता आप 0 लिखोगे, अगर इसका स्थान्यमान लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 100 + 30 + 2 + 1/10। अब मैंने यहाँ 1/10 भी लिखा क्योंकि ये दशांश है, दशमलव के बाद है, इसको लिखूंगी तो लिखूंगी 1/100। तो ये मेरा इसका क्या हो जाएगा, जैसे हमने शतांश में, सॉरी दशांश में पढ़ा था वैसे हम शतांश में पढ़ेंगे। और जैसे ही मैंने आपको भिन्न से, देखो यहाँ पर मैं आपको एक एक उदाहरण ही दे रही हूँ क्योंकि आपने वो पढ़ रखा है कि दशांश से कैसे बदलना। यदि मुझे 42 को, ये भिन्न है, भिन्न को हमको दशमलव में बदलना है, तो कितने जीरो है, 2, तो 2 जीरो, 2 संख्याओं के आगे दशमलव लगा देंगे तो 1, 2, तो 2.42, तो आप बदल सकते हो। अगर मैं आपको ये चीज बोल दूं कि मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं 212 का, 2.12, 2.12 को आपको किसमें बदलना है, भिन्न में, तो आप क्या लिखोगे, 212/100, क्या लिखोगे, 212/100। क्यों? क्योंकि 2 से पहले दशमलव है, ठीक है। अब इसका यदि लघुत्तम रूप लिखना है तो आप क्या करोगे,
कर सकते हैं। क्यों? दो के पहाड़े में आता है 106 बार, मैंने आपको अभी बताया ये उदाहरण। ये क्या हो जाएगा 50, तो ये भी और होगा। कैसे? 2 बंजे 10, 2 3 2 दूनी 4 बचे 2 बंजे 10। अब ये दोनों के किसी के पहाड़े में आते हैं नहीं आते, तो ये हमारा इसका लघुत्तम रूप है। तो आपको ये शतांश समझ में आया कि शतांश क्या होता है? उसके सामने मान देख लिए, मैंने आपको शतांश बता दिया। कैसे भिन्न से हम दशमलव में बदलते हैं, दशमलव से हम भिन्न में कैसे बदलते हैं? यदि इसी को आपको है ना उसके अंदर बदलने को बोले आपको, किसके अंदर? इसी सवाल को यदि आपको ये कहा जाए कि आप इसको बदलिए, इसके अंदर लिखे तो आप लिख सकते हो ना 100 + 30 + 2। फिर यहाँ पर आपको देखना है दशमलव के, मैंने आपको जोड़ने को बताया था, ये 0.1, ये 0.01। सब उस तरीके से इसको इसके अंदर बदल सकते हो। जैसे हमने दशांश में पढ़ा वैसे ही आपको क्या करना है, शब्दांश जो शतांश है उसके अंदर करना है। इतना लिखिए, बड़ी व छोटी हम तुलना करते हैं, क्योंकि ऐसा है या ऐसी है, बड़ी है या छोटी। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, 0.3 और 0.4। अब मुझे बताइए इन दोनों में से कौन सी बड़ी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको भिन्न में बदलते हैं, 3/10 व 4/10। अब मुझे बताइए 3 बड़ा होता है या 4 बड़ा होता है? 4 बड़ा होता है, तो ये हो जाएगा 4/10, मतलब 0। आप लिखोगे, आप ये आंसर नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 0/4 क्या होगा, बड़ा होगा। और यदि माइनस में होता, ये चीज माइनस में होती तो हमारा 0.3 बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि माइनस में हम क्या करते हैं, नीचे से लेके चलते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर ये वाली संख्या और इस वाली संख्या से बड़ी होगी, और प्लस में कौन सी होगी, 0.4। तो आपको समझ में, ये चीज आप शब्दांश के अंदर भी कर सकते हो, एक जैसी ही है, नोट डाउन किया आपने। उसके बाद है दशमलव का प्रयोग, कौन कौन सी जगह हम दशमलव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्रयोग आपका 9th पॉइंट है यहाँ पर, दशमलव का प्रयोग करना। तो कहाँ प्रयोग करते हैं, मुझे बताइए। जैसे आपके पास कितने रुपए है, 1 रुपया। कितना रुपया है, 1 रुपया। अब 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, आप सभी को पता है 1 रुपए में हमारे कितने पैसे होते हैं, 100। कितने होते हैं, 100। जब 100 पैसे होते हैं तब हमारा क्या होता है, 1 रुपया बनता है। तो अगर मैं लिख दूं इसको 1/100, तो इसका क्या हो जाएगा, 0.01 पैसा, 100वां भाग। इसको हम बोलते हैं 1 रुपए का 100वां भाग, ठीक है। ऐसे आप फिर और भी देख सकते हो, जैसे हम किलोग्राम की बात कर रहे हैं, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो अब मैं 1/1000 लिखूं, ये हमारे शब्द का आंसर, 1/1000 लिखूं, तो मैं क्या लिखूंगी इसको, 0.0। और कितने यहाँ पर है, 3, संख्या 1 है, तो मैं कैसे लिखूंगी, 0.01, तो 0.001। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो इसका, इन दशमलव का प्रयोग हम इस आधार पर करते हैं। अब है आपका लास्ट है दशमलव संख्याओं का जोड़ना और घटाव करना। तो ये तो हम सीख चुके हैं कि दशमलव संख्या को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाव करते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ अब इसको कर कर। अब हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, अब हम देखेंगे हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जोड़ और घटाव। तो ये दो उदाहरण लिखेंगे कैसे जोड़ते कैसे घटाव करते। तो सबसे पहले आपको है ना ये देखना है कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या आपको कौन सी दिख रही है, तो 30.08। तो हम उसको ऊपर लिखेंगे 30.08। उसके बाद हमारी कौन सी संख्या दिखाई देगी, 8.5। उसके बाद अब देखो 0
यहाँ पर आप जीरो लिख सकते हो, यहाँ पर भी दो जीरो लिख सकते हो, यदि आपको ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, प्लस करना है। अब देखो जीरो 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 में सात जोड़ा तो सात, देखो सबका दशमलव दशमलव के नीचे आ रहा है, याद रखना कि दशमलव हमेशा दशमलव के नीचे आएगा। आठ का आठ, पांच का पांच, दशमलव आठ तीन, तो क्या हो गया हमारा अड़तीस दशमलव पांच आठ सात, अलग अलग पढ़ेंगे वैसे आपका दोबारा। अब देखो मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों में दशमलव है लेकिन इसमें दशमलव नहीं है, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये। अब इसके आगे मैंने क्या करा, दो दशमलव लगाए, क्यों, क्योंकि दो दशमलव वाली संख्या है, मैं लिखूंगी 280.69, 25.2 जोड़ो नौ, यहाँ पे जीरो लगा सकते हो, नौ का नौ, छ और दो आठ, दशमलव आठ और पांच कितने होते हैं, देखो आठ और चार बारह और एक तेरह, तेरह का तीन, हाथी लगी एक, तीन और एक चार, चार और आठ बारह, बारह तेरह चौदह, हाथी लगी एक, दो और एक तीन, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा 343.89। तो ये जोड़ आपको समझ में आया, तो सबको इतना ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। अब माइनस, माइनस के अंदर आप कैसे करोगे, जैसे 20.75 में से, तो यहाँ पर तो देखो दोनों के आगे दशमलव, तो 18.25, पांच में से पांच गई तो जीरो, सात में से दो गई तो पांच, दशमलव। अब आप मुझे बताओ यहाँ जीरो में से आठ नहीं जाएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ एक बज गया यहाँ दस हो गए, दस में से आठ गई तो दो, एक में से एक गई तो जीरो, तो 2.50 इसका उत्तर। अब यहाँ पर देखो ये 250 है, ये 202.54 है, तो 250 हमारा बड़ा होगा 202 से, तो हम सेकंड सवाल में लिखेंगे 250.00, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा शतांश दे रखा है, फिर लिखोगे 202.54 माइनस। अब यहाँ पर देखो, अब इस केस में क्या करेंगे, हम उधार लेंगे यहाँ से, यहाँ चार बजे यहाँ दस बजे, दस में से एक उधार लिया तो यहाँ पर कितने बजे हमारे, दस, फिर उधार लिया तो नौ, तो दस में से चार गई तो छः, नौ में से पांच गई तो कितना बचता है चार, नौ में से हमारे दो गए तो दो गए तो कितना बचता है सात, चार में से जीरो गए तो चार, दो में से दो गए तो 47.4 से हमारा क्या होगा, इसका उत्तर होगा। इसको नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में। तो आज हमने देखा कि कैसे दशमलव से हमने दशांश के अंदर, शतांश के अंदर, वैसे जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको हजार के लिए और दूसरी संख्याओं के लिए मिलेगा, तो आपको सबसे पहले ये सब समझ में आया कि कैसे हमने संख्या रेखा पर निरूपित किया, जैसे हमने दशांश को किया वैसे ही संख्या रेखा पर आप किसको निरूपित कर सकते हो, शतांश को निरूपित कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।